नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेह लद्दाख के एक महत्वपूर्ण गुरुद्वारे पत्थर साहब गुरुद्वारे, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल दर्शन कराएंगे बल्कि वहां के पूरे डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए हमारे साथ नीमू विलेज में श्री पत्थर साहब गुरुद्वारे की ओर। सुबह सुबह हम लोग अपने होम स्टे से नाश्ता पानी करके खूबसूरत नजारों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओहो, बाइक से नहीं जाएंगे भाई, गाड़ी से ही जाएंगे। तो ये ले लद्दाख श्रीनगर हाईवे पे 25 किलोमीटर की दूरी पे नीमू गांव में है, और रास्ते के नजारे तो भाई कुछ कहना ही नहीं। नजारों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ फ्रंट सीट पे। दोस्तों, ये गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी की दूसरी यात्रा के दौरान बीच में आया था, जहाँ पे उन्होंने रुक करके अपने उपदेश वगैरह जनता तक पहुँचाए थे। और आज की तारीख में ये गुरुद्वारा पूर्ण रूप से भारतीय सेना द्वारा संरक्षित और उनकी देखरेख में चलता है। व्यवहारिक रूप से जो भी लोग यहाँ से कारगिल या कश्मीर की तरफ जाते हैं, गुरुद्वारे में मट्ठा टेक के आशीर्वाद लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। आइए हमारे साथ गुरुद्वारे में अंदर की तरफ चलते हैं हम लोग। बाहर की तरफ आप कार पार्किंग अपनी आसानी से पार्क कर सकते हैं, और यहाँ की खास चीज है कि आपको अपने वस्त्रों का पूरा ख्याल रखना है। हम भी कैपरी पहन के आए थे, पर हमको उन्होंने ऊपर से पूरा एक लोअर पहनने को दिया, क्योंकि वेशभूषा के लिए कहते हैं कि आपका मान्यताओं के हिसाब से ही होनी चाहिए, और ये सब चीजें हम लोग को माननी भी चाहिए। वैसे भी ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोग श्रद्धा के साथ अपना मत्था टेकने आते हैं। तो भाई, हम अपनी चूंकि हाफ कैपरी पहने थे, तो उसके ऊपर हमने वहां के सेवक जो कि आर्मी के ही लोग होते हैं उनको द्वारा दिया हुआ लोअर पहना, और उसके बाद गुरुद्वारे के दर्शन के लिए आगे बढ़े। गुरुद्वारों में जैसा कि आपको मालूम है, सब साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखा जाता है, और यहाँ पे हम लोग को सर धक्के जाने की ही परंपरा है। तो सेवकों द्वारा हम लोग को यहाँ पे पटका दिया गया ताकि हम अपना सर ढक सकें। उपरोक्त गुरुद्वारा 1970 में जब लेह से नीमू रोड बनाई जा रही थी, तब इंडियन आर्मी को यहाँ पे एक शिलाखंड मिला, और पुरानी कहानियां सबकी समझ में आई कि इस वजह से यहाँ पे ये शिलाखंड है। तो 1970 से 80 के दशक में भारतीय आर्मी ने यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण किया, और इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पूरा का पूरा नियंत्रण हर तरह से इंडियन आर्मी के हाथ में ही है, पूरा संचालन इंडियन आर्मी ही करती है। साज सज्जा का ख्याल हो, चाहे पाठी जी हो, चाहे रागी हो, चाहे लंगर व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं भारतीय सेना के नौजवानों द्वारा की जाती है। आइए गुरु ग्रंथ जी के सामने हम लोग अपना मट्ठा टेक के आशीर्वाद लें। सत श्री अकाल। गुरु जी का खालसा ते वाहे गुरु जी दी फतेह। नाम श्री वाहे गुरु। अब जैसा कि आप लोगों को बताया था, यहाँ पे आप लोग वो शिलाखंड देख रहे हैं, जिसकी कि अभी थोड़ी सी और डिटेल हम आगे आगे आपको बताते हैं। पहले आप दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ पे मानचित्र में गुरु नानक देव जी की चारों धार्मिक यात्राओं का मैप बनाया गया है। इनको सिख धर्म में उदासी बोला जाता है। गुरु नानक देव जी की
चारों यात्राओं का पूरा मैप। कई क्षण तो हम यही देखते रहे। शिलाखंड में गुरु नानक देव जी की आकृति प्रत्यक्ष नजर आती है। यहाँ पे सब लोग हाथ जोड़ के मट्ठा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो भाई ट्रेवल स्काउट्स के पीछे रहेंगे, आइए आप भी हमारे साथ आशीर्वाद लीजिए। सतनाम श्री वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। गुरु नानक देव जी अपनी दूसरी उदासी के दौरान जब यहाँ से निकल रहे थे, तो यहाँ के निवासी जो यहाँ के ग्रामीण लोग थे, उन्होंने कहा गुरु जी हमारी रक्षा करो और थोड़ा साथ ही साथ हमको धर्म का ज्ञान भी कराओ। रक्षा के लिए उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक राक्षस है जो उनको बहुत परेशान करता है, मांसाहारी भी है, आदमियों को भी खा जाता है। तो गुरु जी ने ग्रामीणों की रक्षा के लिए यहाँ पे थोड़ा दिन विश्राम करने का सुनिश्चित किया। दोस्तों, गुरु नानक देव जी के यहाँ रुकने से शख्स का कुछ भी बस नहीं चल रहा था। अंत में उसने सोचा कि किसी तरह गुरु नानक देव जी का अंत ही कर दिया जाए, तो उसने चंद्रकला पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर उनके ऊपर फेंका, पर ईश्वरीय अनुकंपा से वो पत्थर गुरु जी को छूते ही मोम का बन गया। गुरु जी तो अपनी साधना में लीन रहे और वो पत्थर में उनकी मूर्ति उभर आई। उस राक्षस ने देखा कि इतनी बड़ी शिला गिरने के बाद भी गुरु जी का कुछ अता पता नहीं चल रहा, तो वो नीचे उतर के आया और उसने पत्थर पे जोर से लात मारी, तो उसके पैरों के निशान भी उस पत्थर पे पड़ गए जो कि मोम का बन चुका था। तब उसको आभास हुआ मैं तो ईश्वर का अंत करने चला था, ये कैसी गुस्ताखी हो गई मुझसे। तुरंत ही वो गुरु जी के चरणों में नतमस्तक हो गया और क्षमा प्रार्थना करी। गुरु जी ने उनको अपनी शरण में लेके सही दीक्षा दी और ग्रामीणों के दुख का अंत किया। अभी थोड़े समय बाद गुरुद्वारे से बाहर निकाल के हम आपको चंद्रकला पर्वत भी दिखाएंगे। वहाँ पूरी सीढ़ियां बनी हुई हैं और लोग वहाँ ऊपर तक जाते भी हैं। देखें गुरुद्वारे में पूरे टाइम चाय प्रसाद मिलता रहता है, पर प्रॉपर लंगर का एक समय है जो कि दिन के 12 बजे से शुरू हो जाता है। गुरुद्वारा खुलने का समय सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक ही है, अतः समय का विशेष ध्यान रखें। तब साहब गुरुद्वारे का पूर्ण आनंद लेने के लिए आप कम से कम 2-3 घंटे का समय लेके आए यहाँ पे, शबद कीर्तन का आनंद लें। तो साथ ही आइए आपको आज हम जहाँ से लंगर सेवा होती है वहाँ दिखाते हैं। यहाँ सब हमारे फौजी भाई लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि संपूर्ण सेवा इंडियन आर्मी की तरफ से। यहाँ पे जाके आप भी अपनी सेवा कर सकते हो, हम लोगों ने भी जाके यहाँ पे रोटियां वगैरह बनाई हैं। और हाँ दोस्तों, गुरुद्वारे में आम लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जो सेवादार हैं, जो भारतीय सेना के लोग हैं, वही रुक सकते हैं। 25 किलोमीटर दूर ही रुकना पड़ेगा आपको लेह में यहाँ पे, लेकिन 25 किलोमीटर तो भाई साहब यहाँ पे आधे घंटे में ही कवर हो जाता है। आइए लंगर सेवा का भी आनंद लें हम लोग। देखिए सब लोग कितनी कुशलता के साथ भांति भांति से रोटियां बनाने में लगे हुए हैं। भाई लंगर सेवा करके हम लोग थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं, जहाँ पे ऊपर साहिब गुरुद्वारा है। कुछ 100 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ये भी आनंद लेते हैं। सामने की तरफ ही आपको चंद्रकला पर्वत दिखाई पड़ रहा है, जिससे ऊपर वो राक्षस ने पत्थर फेंका था, जिसके कि आपने अभी नीचे दर्शन करे, जिसमें गुरु नानक देव जी की आकृति पूरी उभरी हुई है। यहाँ पे लोग ऊपर चंद्रकला पर्वत पे भी जाते हैं
सीढ़ियों वगैरह का पूरा रास्ता बना हुआ है। तभी कह रहे हैं अगर आप 2-3 घंटे का समय लेके नहीं आओगे तो गुरुद्वारे का पूरा आनंद आप ना ले पाओगे। आइए हमारे साथ आप गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन लाभ लीजिए। यहाँ पे गुरु नानक देव जी का एक तरह से मेडिटेशन सेंटर था अपना, जिसमें वो ग्रामीणों के साथ वार्तालाप और अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इंडियन आर्मी ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बड़े ही प्यार से सहेज के रखा हुआ है। सभी लोग इतने सेवा भाव से काम करते हैं कि मन प्रसन्न हो जाता है। अतुल्य पराक्रम के साथ अतुलनीय सेवा का ये रूप आपको पत्थर साहब गुरुद्वारे में ही देखने को मिलेगा। जय हो भारतीय सेना की। आइए अब आपको लंगर प्रसाद भी चखाते हैं। गुरुद्वारे के लंगर का आनंद ही कुछ और होता है। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਏ ਬਦੋਤਨ ਨਾਮ ਸਿਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਏ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਲਾ लोग सुबह सुबह आए थे, बड़ा खाली खाली था, पर जैसे ऐसे दिन चढ़ता जाता है सैलानी आते जाते हैं और सब दर्शन लाभ लेके ही यहाँ से आगे जाते हैं। बने रहिए ट्रैवल स्काउट के साथ इसी तरह घूमने फिरने के लिए और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन हम लोग को मिलता रहता है।